ऐसे प्रतिद्वंदी को हम लोग चुनेंगे जो इस वार्ड का हो और इसको अच्छे ढंग से विकास। तो आपका वार्ड नगर निगम में आया है फर्स्ट बार और फर्स्ट चुनाव आ रहा है, ये पहली बार आई है, पहली बार, इससे पहले ग्रामीण था। हाँ, कैसा महसूस कर रहे हैं, खुशी हो रहा है? बहुत अच्छा, खुशी मिल रहा है। बना दे ये पेपर पे सिर्फ न रख के धरातल पे ये नगर निगम दिखना चाहिए, ऐसे ऐसे कैंडिडेट। कैसा महसूस कर रहे हैं अभी नगर निगम में आए हैं ना? बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है जी। और आप कहीं ना कहीं गार्जियन है, बहुत बहुत जी। अगर कहीं ना कहीं सीतामढ़ी माँ सीता की नगरी है जी। और नगर निगम को नगरी बनाना है। नमस्कार मित्रों, आप अभी देखना प्रारंभ कर दिए तिरुप लाइव न्यूज नेटवर्क लाइव सीवर भारत वर्ष के साथ। मैं संजीव यादव, अभी हम सीतामढ़ी के पुनौरा में स्थित है और पुनौरा शहर का एक वार्ड था जो कि पहले ग्राम पंचायत में था और पहली बार यहाँ के लोगों को यह नगर निगम में आया है, इसका खुशी है। और यहाँ के लोगों से जानेंगे कि क्या खुशी है और क्या खुशी महसूस कर रहे हैं और अपने कैसे फील कर रहे हैं कि डायरेक्ट ग्राम पंचायत से नगर निगम में आ गए हैं। कहीं ना कहीं सौभाग्य की बात है और इसको आने से, इन लोगों को नगर निगम में आने से कहीं ना कहीं खुशी होगा। और क्या ये लोग खुशी महसूस कर रहे हैं और क्या आग्रह विनती करना चाहते हैं ये लोग सिस्टम से, सरकार से, और क्या ये लोग का उद्देश्य है? अच्छा, क्या नाम हुआ सर आपका? जी, मेरा नाम डॉक्टर पुरुषोत्तम दास हुआ जी। तो पहले तो आप लोग ग्राम पंचायत में थे और ग्राम पंचायत का जिंदगी जी रहे थे जो कि आम लोग जीता है गांव घर में, जिनको नहीं तो सही से क्या एक भी सरकारी योजना 100 में से एक दो योजना कहीं मिल जाए, बाकी 90-98 योजना पेपर में ही रहता है। और अब तो आप लोग नगर निगम में आ गए हैं, नगर निगम में ज्यादातर शिक्षित लोग होते हैं, तब इसमें आप लोग को भी लाभ मिलेगा। और क्या आशा करते हैं सर? हम यही आशा करते हैं कि इसे विगत दिनों हम लोग अभी तक पंचायत स्तर का घर पड़ता था, पहली बार नगर निगम में आया है, तो हम लोग यही आशा करेंगे जो टाउन की जो फैकल्टी है, जो शहर का जो फैकल्टी है, वो विधि व्यवस्था हमारे इस 6 नंबर वार्ड में होना चाहिए। ऐसे प्रतिद्वंदी को हम लोग चुनेंगे जो इस वार्ड का हो और इसको अच्छे ढंग से विकास करे। और जिस तरह से शहर में नाला, सड़क, रोड, बिजली, लाइट, और ऐसे लगे कि ये एक शहर हो चुका है, नगर परिषद नाम का सिर्फ नहीं होना चाहिए जी, चुनाव का नहीं होना चाहिए, नगर परिषद दिखने में भी लगना चाहिए कि जिसको मैं कार्यशैली, जिसको मैं दूंगा ये पद, जिसको मैं चुनूंगा, वो 5 साल में इस पंचायत को नगर निगम बना दे। ये पेपर पे सिर्फ न रख के धरातल पे ये नगर निगम दिखना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट को हम लोग चयन करेंगे और हम लोग यही विचार कर रहे हैं कि जो यहाँ का जो इस विकास को, जो मुद्दा को अच्छे ढंग से डायरेक्टली कर सके, जो निभा सके, उसी व्यक्ति को हम लोग चयन करेंगे। और नगर निगम होने से हम लोग को बहुत खुशी है, लेकिन इसको धरातल पर हम लोग देखना चाहेंगे, नए चेहरे की हम लोग को तलाश है। यही हमारा न्यूज है। मैं पुरुषोत्तम कुमार, वार्ड नंबर 6 का निवासी। और पुरुषोत्तम जी, जैसे नगर निगम, नगर कहीं ना कहीं सीतामढ़ी माँ सीता की नगरी है और नगर निगम को नगरी बनाना है, हम लोग को सोच करना है और इसके ऊपर बिहार कहीं ना कहीं अपना सिस्टम में अपने बिहार सरकार का मुख्यमंत्री नीतीश बाबू जी, वो बिहार सरकार के बिहार राज्य का दर्जा लेने के लिए आवाज उठाए, बहुत सारा प्रयास किए, कहीं ना कहीं दर्जा नहीं मिला। दर्जा नहीं मिलने का कारण है कि बिहार में बहुत सारा राजनेता ऐसे है जो कि सिर्फ वो अपना ब्रांडेड कुर्ता और ब्रांडेड जींस और ब्रांडेड जूता पर ही चुनाव लड़ते हैं और इसी पे फोकस करते हैं, इसलिए बिहार राज्य को दर्जा नहीं मिल पाया। तो बिहार में ऐसे ऐसे दिग्गज नेता हैं, अगर आप लोग जैसे बुलंद आवाज अगर मिल जाए नेता में, राजनेता के सीट में, जैसे विधानसभा में हो गया और जहाँ बैठता है नेता लोग, वहाँ तो कहीं ना कहीं सुधार हो जाएगा बिहार का। मेरा यही कहना है कि अभी नई सरकार जो नीतीश कुमार के साथ आरजेडी के जो दोनों आदमी आपस में जो सरकार बनी, उससे मैं बहुत आशा रखूंगा कि तेजस्वी यादव पे हमको पूर्ण विश्वास है कि युवा के लेकर रोजगार सभी लोग देंगे और नए नगर निगम जो बने हैं उसमें तेजस्वी यादव पूर्ण रूप से मदद करेंगे। और यह मैं आशा रखता हूँ उनसे, मैं युवा हूँ और वो भी एक युवा चेहरा है, उनके साथ मैं कदम से कदम मिला के चलूंगा। नीतीश कुमार तो बहुत दिन से यहाँ राज कर रहे हैं, उनकी उपेक्षा, उन्होंने बहुत सारे कार्य भी किए हैं,
लेकिन मैं उनको लाइक नहीं करता हूँ। मेरा फेवरेट नेता मैं युवा हूँ, तेजस्वी यादव के साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगा। और मुझे अगर पटना जाना होगा मैं मिलने के लिए ऐसे वार्ड नंबर 6 की लड़ाई के लिए, तो मैं कहीं से पीछे नहीं। और आप अपने 6 नंबर वार्ड के लिए नेता नहीं बेटा जो कह रहे हैं चुनेंगे, तो क्या चुने हैं किसी चेहरा को, कोई नाम है? सर अभी तक तो नॉमिनेशन होने के बाद इसका हम निराकरण करेंगे, लेकिन इस वार्ड का जो व्यक्ति होगा 6 नंबर वार्ड का उसी में हम लोग सिलेक्शन करेंगे नॉमिनेशन होने के बाद। और इस तरह का नेता नहीं चाहिए, इस वार्ड का बेटा चाहिए। जो अच्छा कैंडिडेट होगा सब पर अच्छा होगा, उसी लोग को हम चुनेंगे जो पंचायत को नगर निगम जो बना है उसको धरातल पर 5 साल पर उतारेंगे, उसी के साथ हम कदम से कदम मिलाकर हाथ से चलेंगे। जो नहीं चलेंगे हम लोग भी नए चेहरा ध्यान दीजिए। और चुनाव वोट है मत है उसको आप ध्यान से दीजिएगा। क्या नाम हुआ सर आपका? सरोज कुमार। इसी वार्ड के वासी हैं? पूरा एड्रेस बताइए ना आप अपना। सरोज कुमार पुनौरा धाम जी। 6 नंबर वार्ड के वासी। 6 नंबर वार्ड के वासी। तो आपका वार्ड नगर निगम में आया है फर्स्ट बार और फर्स्ट चुनाव आ रहा है? ये पहली बार जी। पहली बार, इससे पहले ग्रामीण था। कैसा महसूस कर रहे हैं? खुशी हो रहा है? बहुत अच्छा खुशी मिल रहा है। ये तो पहली बार मिला है, खुशी का अपार है। नहीं सर, पहले तो हम लोग ग्रामीण में थे, पहले गांव वाला जिंदगी जी रहे थे। पहले गांव वाला जिंदगी जी रहे थे, उस बार नगर निगम घोषित कर दिया गया, ये तो बहुत खुशी की बात है। हम लोग सोच रहे हैं किसी ऐसे नेता को उतारे जो इसका जिम्मेदारी संभाल सके। देखिए कहीं ना कहीं मालिक तो मतदाता ही होते हैं। मालिक आप लोग ही हैं, मालिक हम लोग ही हैं। वोट जो देता है वही मालिक है, मगर हम लोग एक गार्जियन चुन के उनको मालिक बनाकर भेजते हैं आगे। तो ऐसा मालिक भेजेंगे जो हमारे लिए 24 घंटे तब पे रहेगा। वैसा ही कैंडिडेट जो हम लोग खोज में है, नहीं समझे, ऐसा चेहरा उतारे जो कारोबार अपना संभाल सके और जल्द से जल्द इसका खुलासा हो जाएगा। यहाँ का नहीं हुआ है जी, कल से तो स्टार्ट है और 24 तक चलेगी। अच्छा एक सवाल है सर मेरा, जैसे चेहरा आप ढूंढ रहे हैं तो क्या युवा चेहरा ढूंढिएगा या फिर बुजुर्ग को हाथ में दे दीजिएगा नीतीश बाबू जैसा? नहीं नहीं, जब चेहरा आएगा तो युवक ही आएगा, कोई नहीं आएगा। जब भी आएगा तो युवक ही आएगा। नहीं तो नीतीश बाबू को हम लोग दे दिए थे, 17 साल का सुशासन का सरकार बन गया और देख ही रहे हैं कि बिहार में कितना दारू बंद है और कितना क्या है, सो भी आप देख ही रहे हैं कि 600 में आधा और 1200 में फूल मिलता है और बड़ा बड़ा दुकान में मिलता है, पहले ठेका में मिलता था सर, और वहाँ बहुत सारे लोग पीने नहीं जाता था, इसलिए वहाँ पीने जाता था उनका मम्मी पापा चाचा नाना मामा कोई ना कोई रिश्तेदार वहाँ टपक जाता था और टिक जाता था। अब क्या होता है, आप सीधा कॉल कीजिए और हाँ दूगो फाइल बस आ जाएगा घर के पीछे गाछी में और मिल जाएगा। अभी तो होम डिलीवरी दे रहा है दारू, होम डिलीवरी दे रहा है, आप कहिएगा तो घर तक पहुंचा देगा। चलिए तो ऐसा नेता नहीं चुनना है ना? ऐसा नेता नहीं चुनना है, ऐसा जो होम डिलीवरी करवा दे। चलिए और भी ग्रामीण से आपको मिलवाएंगे। और क्या नाम हुआ सर आपका, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं आप पूछे। सर इधर, सर इधर, क्या नाम हुआ चाचा आपका, नहीं बोलना चाहिए जी। तो क्या कैसा महसूस कर रहे हैं अभी तो आप नगर निगम में आए हैं ना? बहुत पहले गांव वाला जिंदगी, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है जी। आप कहीं ना कहीं गार्जियन है? बहुत बहुत जी जी जी। पहले जो है हम लोग गांव देहात का जीवन जी रहे थे जी, अब जो है हम लोग नगर निगम का जीने का इच्छुक है ताकि नगर निगम जैसा माहौल यहाँ मिले जी और अच्छे से अच्छे कैंडिडेट को यहाँ पर नए चेहरा को नवयुवक चेहरा को यहाँ चुनाव करके लाया जाए जी। हम लोग उसी विचार में बैठे हुए हैं कि सारे ग्रामीण सारे वार्ड नंबर 6 के जितने भी ग्रामवासी हैं नए चेहरा को और ऐसा चेहरा हो जो कार्य को पूरा प्रगतिशील करते हुए 5 साल में नगर निगम को बना दे, नगर निगम को नगर बना दे, नगर निगम को नगर नगरी बना दे, नगरी बना दे, ना के नगरी को नगरी बना दे जी। ऐसा नवयुवक चेहरा होना चाहिए और जब तक इंसान के अपना ब्लड में शरीर में ताकत रहेगा, जुनून रहेगा, ना यंग रहेगा तभी ना वो काम करेगा। और बुजुर्ग जो रहेंगे तो कभी उनको सर्दी होगा कभी खांसी होगा तो क्या काम करेंगे, क्या कोई काम नहीं कर पाएंगे बुजुर्ग से। अब बुजुर्ग का समय नहीं रहा, अब जो है नवयुवक का समय है जी। अब नया चेहरा आएगा, नवयुवक आएगा, वैसा नेता होना चाहिए, ऐसा बेटा होना चाहिए जो इस नगर निगम को नगर की तरफ से एकदम 5 साल में धरातल उतार दे। यहाँ बिजली पानी रोड जितने भी सुविधा जो नगर निगम से होती है उस सारी सुविधा पर्याप्त व्यवस्था में नगर निगम वार्ड 6 को किया जाए, ऐसा चेहरा हम लोग चाह रहे हैं। चलिए धन्यवाद। और भी लोग से आपको मिलाएंगे, गांव के और भी लोग से आपको मिलाएंगे और बात करने का प्रयास करेंगे क्या उनके जीवन में क्या भावना है चुनाव के प्रति। क्या नाम हुआ चाचा जी आपका?
मेरा नाम कुंजेश्वर कुमार, ऐसे मुरारी सर के नाम से जानते हैं जी। और मैं अभी मैं कार्यरत हूँ, और बहुत अपार खुशी की बात है कि साहिल साहब जो उनको मोनू के नाम से हमारे गांव समाज में बहुत ही सराहनीय, उनको इस कम उम्र में मैंने देखा कि इतने कम उम्र में समाज के प्रति अपनी भावना को रखना। ऐसे तो राजनीतिक में बहुत सारे पुराने और नए लोग आते हैं, मैं उन पुराने लोगों को भी नमन करता हूँ, वो उनको आज की नई पीढ़ी के साथ उनको शेयर करना चाहिए। ये हमारा जो जनजीवन है परिवर्तनशील है, इस परिवर्तनशील में नए नए युवकों को नई पीढ़ी के हाथों में बागडोर संभालने के लिए उसको प्राप्त होना चाहिए। साहिल जी को मैंने देखा जब से मैं इस विश्वकर्मा नगर में आया हूँ, ऐसे मैं 1995 से मैं इस शहर के इस क्षेत्र में मैंने अपने जीवन को यापन किया है, और मैं बचपन से मैंने देखा है कि इतने होनहार कुशल नवयुवक कर्मठ है। मैं शायद समझता हूँ वार्ड के सौभाग्य है कि ऐसे बच्चे ने अपनी भावना को इस सेवा की भावना में वह देने का संकल्प लिया है। मैं इस नगर के इस वार्ड के तमाम जनता से अपील करता हूँ कि मैं इस वार्ड के और इस वार्ड से जुड़े हुए बहुत ऐसे वार्ड हैं, व्यक्तिगत रूप से मुझे लोग जानते हैं, इन बच्चों को मैंने पढ़ाया, आज 2-4 बच्चे के पिता बन चुके हैं, और मैं पूर्ण रूप से तहे दिल से जी है ना साहिल जी को समर्थन करता हूँ। और इनको एक बार मौका बिल्कुल मिलना चाहिए। पुराने लोग बहुत लोग, मैं उनकी आलोचना नहीं करना चाहता हूँ, वह अपने आर्मी अच्छे भी काम किए तो बहुत गंदे भी काम किए, उस पर भी टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। हमेशा नए के हाथ में देकर सभी मतदाताओं से मेरा अपील है कि उनको भारी से भारी मत देकर एक विजय बनाते हुए और अपने प्रगति के कार्य की ओर अग्रसर करें। और कहीं ना कहीं आप लोग सर शिक्षित लोग हैं, और बाल पक गया आपका तो आप बहुत सारे मोड़ देखे होइएगा, राजनीति में ही नहीं समाज में भी बहुत सारे मोड़ देखे होइएगा, और कहीं ना कहीं आप जब अपने दिल में ये बात ठाने हैं तो कहीं ना कहीं इससे वार्डवासी को लाभ ही मिलेगा, नुकसान तो सोच नहीं सकते हैं। 100% मिलेगा। इनके पिता का मैं 1995 से जान रहा हूँ कि बहुत निम्न स्तर से समाज की सेवा करते हुए, माने कि जब उन्होंने अपना मरण सैया पर थे तो उसे जब जब होश आती थी तो हमेशा समाज की सेवा के ही बारे में सोचा करते थे। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, इस समाज के एक एक बच्चा और बूढ़े सभी लोग इस मन के इस चुनाव के दौर में बहुत लोग खड़े हैं, उनका भी दिल लगे इस बात को स्वीकार कर रहा है कि उस पिता के जेनेटिक के बच्चे हैं, जिसने सभी मतदाता से अपील है कि एक बार जरूर मौका मिलना चाहिए जी। और ऐसे ऐसे यंग को मौका मिलेगा तो कहीं ना कहीं आगे चल के बहुत बड़े कदम भी उठा सकते हैं। बहुत ही परिवर्तन, अजूबा परिवर्तन होगा, अजूबा परिवर्तन होना है। विश्वास है आपका? 100% विश्वास, 110% विश्वास है। अगर यह विश्वास में किसी प्रकार की कमी होगी तो मोनू जी के जस्ट बगल में मैं अपना, मेरा निवास लोहापट्टी में है, मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगा, यहीं सब वातावरण मुझे अच्छा लगा, उसकी भरपूर मैं गारंटी लेता हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ कि समाज के किसी प्रकार की कोई कमी होगी तो हमारे दरवाजे पर खड़ा एट ए टाइम मिनटों सेकंडों में उनकी पूर्ति मैं करने के लिए तैयार। और लोहापट्टी से आप यहाँ आ गए, यहाँ के भावना, इनके भावना से जी 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 बिल्कुल। चलिए देखिए आप जान सकते हैं, और गार्जियन में ऐसा उत्साह है और गार्जियन में ऐसा सोच है तो कहीं ना कहीं मोनू जी को विजेता मनु जी बनेंगे, और यहाँ उसमें उनका यहाँ के वार्डों का वार्ड का जो भी लोग है उनका कहीं ना कहीं भूमिका है, और उन लोगों को सोचने के, उन लोगों को दिमाग के और उन लोगों को दिल के, उन लोगों के मन के ऊपर डिपेंड करता है कि उन लोग कैसा नेता चुनेंगे या बेटा चुनेंगे, क्योंकि यह नगर है और